हम लोग आखिर कहाँ रह सकते हैं? ये बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे नहीं पता था कि पूरे जापान का कोई ना कोई मालिक है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। वैसे ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? हजारों लाखों साल पहले जब ये धरती बनी थी तब इस जगह पर कोई भी मालिक नहीं था, क्यों, है ना दोस्तों? और उसके बाद इंसान यहाँ पर आए और उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर अपने हिसाब से कब्जा कर लिया। इंसान क्या बाद में आए थे? अरे हाँ, ठीक है, तो हम उस समय में चलते हैं जब लोग धरती पर नहीं आए थे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम पुराने वक्त में चले जाएंगे तो जगह की दिक्कत होगी ही नहीं। अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे तो पूरी जगह हमारी होगी। क्या कहा, हमारी होगी? नोबिता, तुम तो कमाल के हो, सच में। नोबिता, तुम तो बहुत समझदार हो। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, अभी चलो, टाइम मशीन की मदद से चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी इंसान न हो। क्या मैं अंदर आ गया? मैं आ गया। अरे डोरेमोन, तुम्हें क्या हो गया? सुनो, अंदर चूहे तो नहीं है? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अरे मुझे धक्का तो मत दो ना। तो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। चलो जल्दी। प्लीज हमें उस वक्त में ले चलो जब कोई इंसान नहीं हुआ करता था। पीपी, ये डेटा बहुत ही कम है। प्लीज आप पहले ठीक से पीरियड देखें, फिर से कोशिश कीजिए। मैंने सुना है नोबिता कि 30,000 साल पहले आदमी यहाँ पर आए थे, तो क्यों ना हम 30,000 साल पहले के वक्त में चलें, क्यों दोस्तों? ठीक है, तो हम 30,001 साल में चलते हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। तो हो सकता है कि उससे पहले भी कोई इंसान हो। ठीक है, 30,002। ठीक है, तो क्यों ना हम 60,000 साल पहले चले, 30,000 से दुगना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम वक्त को 10,000 साल और बढ़ा देते हैं। मेरी बात सुनो, हमें 70,000 साल पहले के वक्त में ले चलो। 70,000 साल पहले, ठीक है, चलते हैं। हम आखिरकार पहुँच ही गए। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। कितनी ताजी हवा चल रही है ना यहाँ। यहाँ तो पूरी हरियाली ही हरियाली है। चलो हम इसे और सुंदर बना देते हैं दोस्तों। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ओ हाँ, ये तो 70,000 साल पहले का वक्त है। इस समय में हवा बहुत साफ हुआ करती थी, प्रदूषण भी नहीं था, इसलिए बहुत ठंड हुआ करती थी। ये क्या होता है सुनियो? बर्फ की परत पूरी धरती पर फैल जाती है और बहुत ठंड हो जाती है। मुझे इतनी ठंड में रहने का शौक नहीं है। फिक्र मत करो, बाद में हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की दुनिया चाहिए। तुम सबको जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मैं एक आरामदायक होटल, एक कॉमिक लाइब्रेरी और गेम सेंटर बनाना चाहता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। और मैं खोलूंगा एक बड़ा सा होटल जो होगा बिल्कुल फ्री। ये तो वही पुरानी चीजें हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना झील के आसपास हम बहुत सारे फूल लगा दें। अगर दिन में यहाँ एक इंद्रधनुष हो और रात में चमकदार तारे, क्यों, ऐसा हो सकता है डोरेमोन? हाँ बिल्कुल। उड़ने वाला घोड़ा, जलपरी, यूनिकॉर्न हो तो अच्छा लगेगा, है ना? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुनियो, सच बताऊं तो मुझे ताकतवर और रोमांच भरी दुनिया में ज्यादा मजा आता है। हाँ, रोमांच भरी दुनिया की तो बात ही कुछ और है जी आन। चलो। मैं तो शिज़िका के साथ जाऊंगा। किसी का मन फूल लगाने से भला कैसे भर जाएगा? उड़ने वाले घोड़े और जलपरियों का क्या काम है यहाँ? मुझे तो लगता है कि हम लोगों को कुछ जी आन, हिप्पोपोटमस है। सही कहा, हिप्पोपोटमस अच्छा रहेगा। अरे बचा, अरे सुनियो, अरे बचाओ हमें, कोई बचा, अरे कोई तो बचाओ हमें, ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। बचाओ हमें, डोरेमोन बचाओ।
ये तो कमाल की चीज है। जा रहा है लेकिन तुम्हें बहुत संभल कर रहना चाहिए। इस वक्त में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। यहाँ भालू, भेड़िए, शेर और मगरमच्छ भी हो सकते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या कहा, शेर और मगरमच्छ भी? हाँ, एक मिनट रुको। प्रिमिटिव एज लाइफ सेट। ये पत्थर का है पर भारी नहीं। क्या ये सच में पत्थर है? मुझे तो नहीं लग रहा, ये तो कुछ और ही। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये भाला एक शॉक स्टिक है जिसके झटके से एक हाथी भी बेहोश हो सकता है। और ये है एयर कंडीशन सूट, इसकी मदद से तुम अपने आसपास का तापमान बदल सकते हो। तो सब लोग अब अपने कपड़े बदल लो। सब लोगों ने कपड़े बदल लिए ना? हाँ। ये कपड़े गर्म और आरामदायक है। पता है जियान, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक है, आज से हम सब मिलकर यहीं पर रहेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें अपना घर चुन लेना चाहिए। घर? ठीक है, तो अब ये वाली जगह मेरी हुई। तुम बहुत बुरे हो। इस तरह तो हम नहीं कर सकते हैं। तुम रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। ये लोग तो बहुत मतलबी हैं। क्या करूं? यहाँ पर इतनी सारी खाली जगह है, लेकिन तुम तीनों को तो बस एक दूसरे से लड़ना ही होता है। हमें माफ कर दो। वो जगह काफी अच्छी लग रही है, वहाँ से व्यू भी अच्छा है और वहाँ पर हमें काफी धूप भी मिलेगी। अरे ये तो काफी अच्छा है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें किसी जानवर का खतरा नहीं है। यहाँ पर हम एक बड़ी सी गुफा बनाकर रह सकते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मजेदार होगा। पर हम इस पत्थर को कैसे खोद सकते हैं? उसके लिए मेरे पास है इजी शॉवल। इसकी मदद से हम पहाड़ को ऐसे खोद सकते हैं जैसे हम चम्मच से जेली खाते हैं। अरे वाह, तो मैं ये करूँगा। रुक जाओ, ये मुझे दो। ये फिर शुरू हो गए। दोस्तों, हमें बहुत काम करना है, बस करो। ये मेरा काम है, किसी को कोई परेशानी है? ठीक है जियान, तो तुम हमारे कंस्ट्रक्शन मंत्री बनो। मुझ पर भरोसा रखना। अब ये वाला फ्लावर गार्डन बॉटल। इसमें से छोटे छोटे बीज गैस के साथ निकलते हैं और फूलों का गार्डन बनता है। लाओ, मुझे भी करने दो ना। ठीक है, शिजुका बनेगी हमारी पर्यावरण मंत्री। ठीक है। और अब क्या मैं यहाँ का मंत्री बन सकता हूँ? और क्या क्या चीजें बची हैं? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के मंत्री। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फील्ड रेस्टोरेंट। इसके अंदर कुछ बीज हैं। जब इसका कोई भी बीज बोया जाता है तब वो डिश पूरे साल में कभी भी खाई जा सकती है। मतलब नोबिता तो ये काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम कोई पेड़ लगाते हो तो वो सूख जाता है नोबिता। तो ठीक है, सुनियो बनेगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मंत्री। ठीक है। तो मेरा क्या होगा? तुम क्यों ना सफाई का ख्याल रखो नोबिता। सुनियो, आखिर नोबिता क्या कर सकता है? हाँ, ये सही रहेगा। एनिमल जीन्स एम्प्यूल और क्लोनिंग एग्स। ये दुनिया कितनी बड़ी है लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए हमारे साथ रहने के लिए तुम पेट्स बनाओ। क्या पेट? बस थोड़ा सा ये एम्प्यूल लिक्विड इस एग पर डालना है। ये काम बहुत आसान है नोबिता, तुम कर सकते हो। तो फिर मैं कौन सा मंत्री हुआ? तुम हुए यहाँ के पेट मिनिस्टर। पेट मिनिस्टर? ये तो अजीब है। अच्छे से करना। मैं समझ गया। हाँ, नदी का ये किनारा इन अंडों के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, डोरीमोन ने मुझे क्या कहा था? हाँ, इस एम्प्यूल को क्लोनिंग एग में डालना है। ये तो बहुत ही आसान काम है। हाँ, मुझे हमेशा ऐसे काम क्यों मिलते हैं? हाँ, तो ठीक है। मैं ये काम इतने अच्छे से करूँगा कि सब लोग चौंक जाएंगे।